हाय गाइस, दिस इज राजसी वर्मा। एंड अभी आई थिंक न्यूज़ में सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि जया जी ने कहा कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जया मैम बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, खैर मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। मैंने उनके साथ इनफैक्ट काम किया हुआ है कल्याण ज्वेलर्स में, अमित जी जया जी दोनों थे मेरे साथ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की अमित जी के बारे में, आई डोंट नो पर्सनली वो कैसे हैं, बट प्रोफेशनली ही इज़ अ रियली रियली गुड पर्सन। अगर आप उनके साथ काम करें तो ही ट्रीट्स यू लाइक एन एक्टर, लाइक अ को एक्टर। वो आपको छोटा बड़ा नहीं समझते हैं सेट पर, वो आपके साथ एज एन एक्टर ही काम करेंगे और आपको उतनी ही तवज्जो देंगे एज एन एक्टर, जो मैंने जया मैम के साथ नहीं देखा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट जया मैम काफ़ी एरोगेंट और काफ़ी उन्होंने मिसबिहेव किया, ये सोच के कि अरे ये तो छोटे मोटे एक्टर्स हैं, इनकी क्या औकात है हमारे सामने, ये क्या। मुझे याद है मेरे पास इनफैक्ट वो फ़ोटो भी है जया मैम का, जिसमें हम फ़ोटो खिंचाने गए थे, उन्होंने मुंह टेढ़ा कर लिया, उनको लगा ये छोटे मोटे एक्टर्स के साथ क्या फ़ोटो खिंचाना है। एनीवेज मैम, मुझे उस बात से कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, हर इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है और ये चीज़ मुझे लगता है हर इंसान को कभी भूल लेनी चाहिए कि वो कहाँ से आया है और कहाँ पहुँचा है। जो मैंने अमित जी में देखा कि वो फिर भी काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं सेट पर और वो एक एक्टर को एक एक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। एनीवेज इस बात पर वापस आते हुए कि जया मैम ने जो स्टेटमेंट बोली, तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि कंगना ने ये बात इसलिए उठाई है कि वो इंडस्ट्री को बदनाम करना चाहती है, ऐसा कुछ। ये डेफिनेटली ड्रग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसकी एडिक्शन में पड़ रहे हैं। इवन इफ़ यू टेक कॉल सेंटर पीपल और होटल इंडस्ट्री और बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट आम बच्चे जो यू नो लोकल झोपड़ियों में भी रहते हैं, मैंने तो उनको तक ड्रग्स लेते हुए देखा है। ऑफकोर्स वो सस्ता वाला ड्रग खाते हैं जिसकी जितनी हैसियत है, बट ये जो हैबिट फैल रही है ड्रग्स की, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर आर जनरेशन और इसको डेफिनेटली स्टॉप करना चाहिए। एंड दिस इज़ नथिंग टू डू विद द इंडस्ट्री, ओके, ये हैबिट ख़राब है और इस हैबिट के खिलाफ लड़ाई है कंगना की या रवि किशन जी की। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और बीजेपी कांग्रेस को नीचा दिखा रही है, कांग्रेस बीजेपी को नीचा दिखा रही है। कोई भी देश में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। कोरोना की वजह से लोगों के पास काम नहीं है, गरीब लोग रस्ते पर भूखे हैं और तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सिर्फ एक सोनू सर थे जिन्होंने इस यू नो इस चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की जिसकी इनफैक्ट सख्त ज़रूरत थी इस वक्त। और मैं ये नहीं बोलती बाकी एक्टर्स ने नहीं किया है, बट उन्होंने जो पीएम फंड में डाला है अब उसका तो हिसाब किताब पीएम देने को तैयार ही नहीं है कि वो कहाँ गया, कैसे वो पैसा यूज़ हुआ या यूज़ होगा आगे जनता की भलाई के लिए। क्योंकि अब तक मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू दे रही हूँ, मैंने तो नहीं देखा वो पैसा कहीं भी जनता की भलाई में यूज़ होता हुआ। तो मुझे लग रहा है मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सही को सही और गलत को गलत कहना गलत कहने में विश्वास रखती हूँ। कंगना जी ने भी अगर उर्मिला जी के लिए ये स्टेटमेंट पास किया कि ये तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, अगर ये मिनिस्टर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती, तो अगर कंगना जी ने भी ये बोला है तो गलत बोला है। आप कभी भी किसी के कैरेक्टर पे या किसी के काम को लेकर उस इंसान को जज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए ना बोलना चाहिए ऐसा। सब लोगों ने कुछ ना कुछ करके अपनी एक जगह बनाई है इस इंडस्ट्री में या ज़िंदगी के किसी भी मकाम में, तो हमें ये कहना कि वो सॉफ्ट पॉर्न स्टार अगर एक नेता बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सब अपनी काबिलियत पे ऊपर आते हैं, बस काबिलियत पे विश्वास रखो। मुझे लगता है कि कर्म अच्छे करो, भगवान आपके साथ है, नॉट नेसेसरी कि आप स्टार बनोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप स्टार बनोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो। आपने अपनी लाइफ में अगर अपने से ज़्यादा कुछ अचीव किया है, जहाँ से आपने शुरुआत करी थी उस शुरुआत से अगर इस लेवल पर भी पहुँचे हो, तो मेरी नज़र में वो सक्सेस है। आज की तारीख में मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं कहाँ पहुँची हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरी सक्सेस है। अब मैं स्टार बनूँ ना बनूँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैंने इंडस्ट्री में ये नोटिस की है कि यस, मूवी माफिया कहीं ना कहीं है, ग्रुपिज्म है, फेवरेटिज्म है, बट वो सारी इंडस्ट्रीज़ में है, अब उसका क्या करें।
अब जो है एकता कपूर जी हैं वो अपने ही एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया। अब वो बहुत ही वाहियात एक्टर्स हों तो भी कुछ नहीं, भाई अगर वो एकता मैम के फेवरेट हैं तो वो भाई एकता मैम के ग्रुप में हैं, काम कर रहे हैं, 50,000 रुपये, लाख लाख रुपये पर डे भी कमा रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि वो टैलेंटेड है या नहीं है। सेम करण जौहर सर का अपना ग्रुप है, सब संजय लीला भंसाली सर का आई एम श्योर अपना ग्रुप होगा, अनुराग बासु जी का अपना ग्रुप होगा, अनुराग कश्यप जी का अपना एक ग्रुप होगा, तो सारे लोग अपनी ही लॉबी में काम कर रहे हैं जो सही नहीं है। मुझे लगता है कि आप सही टैलेंट को, जो सही एक्टर्स हैं, जो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, उन्हें काम देना चाहिए, रदर देन कि अरे ये मेरा फेवरेट है, ये स्टार का बच्चा है, ये उस स्टार का बच्चा है। मैंने रोहित शेट्टी सर का एक इंटरव्यू मतलब वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए थे, उन्होंने ये बहुत गर्व से ये स्टेटमेंट बोला कि सारा अली खान सैफ अली खान की डॉटर, उन्होंने रोहित शेट्टी सर कपिल शर्मा के शो में आए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया कि सारा अली खान जो सैफ अली खान की डॉटर है उसने, वो मेरे पास स्पेशली आई काम मांगने के लिए, शी सो डाउन टू अर्थ। तो मुझे ये बहुत अजीब सी बात लगी कि मैंने कहा अगर सैफ अली खान की डॉटर है तो क्या उसे काम यूँ ही दे देना चाहिए, उसकी काबिलियत को नहीं परखना चाहिए? और उसमें वो डाउन टू अर्थ हो गई क्योंकि वो सैफ अली खान की डॉटर है, उसने हाथ जोड़े आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। काम तो यहाँ हर कोई मांगता है लेकिन उनको क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनके बारे में नेशनल टीवी पर क्यों नहीं बोला जाता कि भाई ये बंदे इतने टैलेंटेड होते हुए भी ये आके रोज़ काम मांगते हैं, रोज़ हाथ जोड़ते हैं कि सर कंसिडर अस, कंसिडर अस। कितने सारे स्ट्रगलर एक्टर्स रोज़ आते हैं बेचारे, और बहुत ज़्यादा आई थिंक सारा अली खान, सोनम कपूर और जितने भी स्टार किड्स हैं उनसे कहीं कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रुप्स, अपनी लॉबीज बना रखी जो गलत है, जिसकी वजह से सही टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आई थिंक यस, इस चीज़ को इंडस्ट्री में सुधरने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सही लोगों को ऊपर लाना, सही टैलेंट को पहचानना, सही टैलेंट को वो जगह देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी जो चीज़ें लोग जो बड़े स्टार्स बन जाते हैं, वो कोई भी हो, सलमान सर हो या अक्षय कुमार हो या कोई भी हो, वो सोचते हैं कि नहीं अगर हम फिल्म करें तो फिल्म में सबसे ज़्यादा फुटेज हमें मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा फिल्में हमें मिलना चाहिए, उसके लिए वो दूसरे एक्टर्स को नीचा दिखाना, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, उनको मीडिया में गलत गलत चीज़ें फैलाना, उनके मेंटली उनके दिमाग से खेलना, उनको नीचा दिखाना, और इसी वजह से बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड होते हुए भी वो ऊपर नहीं आ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। स्पेशली जब ये देखा जाता है कि अरे ये टैलेंटेड है, ये ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग दबाना शुरू करते हैं। और ये मैंने अपने इंडिया में ही देखा है कि इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे आज भी हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी नहीं समझ में आई है। पता नहीं क्यों इतनी हिपोक्रेसी है, क्यों ये ऊंच नीच का फ़र्क है, और क्यों लोग जो टैलेंटेड हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको आगे प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उनको क्यों दबाया जाता है, ये सारी चीज़ें मेरे आज तक एक्चुअली समझ में नहीं आई है। तो यहाँ हमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम इस सोच को डेवलप करेंगे, हम जो टैलेंटेड है उसको ऊपर उठाने में विश्वास करेंगे, तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन बच्चों को मिले, जो भी माँ बाप एजुकेट नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को, उनको गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एजुकेट। सो गाइस, बस मेरा इतना ही कहना है कि हम जो भारत देश के वासी हैं, हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि हम जब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम उसके पीछे के फैक्ट्स, तत्व, सब चीज़ों को ठीक से समझ लें, और फिर हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हम बिना किसी चीज़ को समझे हम अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं, हम चीज़ें बोल देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी चीज़ का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो आई थिंक हम सब लोगों को मिलकर सही को सही और गलत को गलत बोलना आना चाहिए। आई नो सबके डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस होते हैं, हो सकता है मेरी नज़र में जो सही है वो दूसरे की नज़र में गलत हो, लेकिन इतना जजमेंट हर इंसान को होता है कि क्या सही। अगर ड्रग्स बुरी आदत है तो ड्रग्स बुरी आदत है, हमें सबको बोलने में शर्म नहीं है। अगर हमारे खुद का बच्चा भी ड्रग्स ले रहा है तो हमें ये आके बोलना चाहिए कि ये गलत है, उसे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमें छुपाना नहीं चाहिए। ड्रग्स इज़ अ बैड हैबिट,
बुलिंग समवन इज अ बैड हैबिट, किसी को नीचा दिखाना, किसी का करियर खराब करना, ये सारी गलत चीज़ें हैं और ये हक किसी को नहीं है। कोई कितना भी पैसे वाला, कोई कितना भी पॉपुलर, कोई कितना भी फेमस हो, ये हक किसी को नहीं दिया है और ये बहुत बड़ा पाप है। तो प्लीज़ मैं आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही को सही और गलत को गलत बोले। एनीवेज थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।